हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आज हम सब बात करेंगे भारतीय तिरंगे के बारे में, पांच ऐसे रोचक तत्व जो शायद आप नहीं जानते होंगे, इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए नंबर पांच पे बात करते हैं। क्या आप जानते हैं भारतीय तिरंगे को 6 बार प्रावधान करके उसके डिज़ाइन में चेंजेस किया गया है। 1906, 1907, 1917, 1921, 1931, तब जाके 1947 में इसका मेन डिज़ाइन इसको दिया गया। और इसी के साथ भारत में आज जो तिरंगा देखते हैं 1947 की ही देन है। भारतीय तिरंगे के बीच में जो अशोक चक्र है उसमें 24 तिल्लियां हैं। इसी के साथ नंबर चार पे बात करेंगे भारत के नाम पे दर्ज वह वर्ल्ड रिकॉर्ड जो शायद आप सब नहीं जानते होंगे। 6 दिसंबर 2014 को भारत के चेन्नई में वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमन फ्लैग का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने अपने नाम पे दर्ज किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत का नाम दर्ज किया और 135 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। इसी के साथ नंबर तीन पे बात करेंगे पिंगल वेंकैया की। पिंगल वेंकैया को भारत में द फ्लैग मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पिंगल वेंकैया ने ही भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया था और इसका जो डिज़ाइन का जो रूपरेखा है ये 90% इन्होंने ही तय किया था और बाकी कुछ कुछ चेंजेस किसी और ने किया था, मगर ज़्यादातर जो चेंजेस है ये सारा पिंगल वेंकैया ने ही किया था। चलिए इसी के साथ बात करते हैं फैक्ट नंबर टू की। आपने कभी सोचा है जो भारत में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है किसी भी राष्ट्रीय जगह पर, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, भारत में किसी भी जगह जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है उसका निर्माण KSSI में किया जाता है, कर्नाटक खादी उद्योग केंद्र में। वहाँ पे शुद्ध और स्वच्छ मतलब हर एक मापदंड पे तिरंगा को बनाया जाता है और पूरी तिरंगे की क्वालिटी और मेंटेनेंस का किया जाता है। इसी के साथ अब बात करते हैं नंबर वन पे। आप सभी को पता होना चाहिए तिरंगा सर्वमान और सर्वप्रिय होता है। आप इसे किसी भी तिरंगे या झंडे से कंपेयर नहीं कर सकते। आप किसी भी एक धर्म का झंडा तिरंगे के ऊपर नहीं रख सकते या किसी पार्टी का झंडा। तिरंगा सबसे ऊपर होता है और सर्वप्रिय होता है। आप सभी का, हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम सब झंडे का सम्मान करें। आप किसी भी तरह से इसे फाड़ नहीं सकते, फेंक नहीं सकते, किसी भी तरह से तिरंगा का आप अपमान नहीं कर सकते। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।